Students, in this video we'll continue further with chemical kinetics. Okay, in the previous video what we had seen was we had seen that every complex reaction can be divided further into elementary reactions, and for every elementary reaction hum logon ne molecularity define ki thi. We had defined molecularity. Now isi concept ko in elementary reactions ko aur hum log aage padhte hain. So basically, let's consider a simple example. Let's say it is 2NO2Cl, okay, gives you 2NO2 plus Cl2. This is our complex reaction. Now complex reaction के लिए आप order directly decide नहीं कर सकते, आपको experiments करने पड़ता है. Okay, now it is found that this complex reaction, इसका जब हम लोगों ने mechanism study किया, it was found out that this complex reaction can be divided into elementary reactions. So it was NO2Cl gas giving you NO2 gas plus Cl gas. Ye step 1 thi. And step 2 was NO2Cl gas broke up to produce NO2 gas and second step mein this NO2Cl reacts with the Cl again, so it reacts with Cl to produce NO2 plus Cl2. So this was your first step jahan pe NO2Cl dissociate hota hai to produce NO2 and chlorine. Then you have step 2 jahan pe ye same chlorine और एक NO2Cl मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस NO2 एंड Cl2. सो इफ यू ऐड द टू रिएक्शंस क्या होगा, Cl कट हो जाएगा, यू विल गेट 2NO2Cl गिविंग यू 2NO2 प्लस Cl2, जो आपका ये मेन रिएक्शन है वो. नाउ इट इज फाउंड दैट द स्टेप इज अ स्लो स्टेप एंड द स्टेप इज अ फास्ट स्टेप. तो अगर जो ये स्लो स्टेप है तो दिस ऑल्सो बिकम्स योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ओके, अब ना यहां पे इफ आई हैव टू राइट डाउन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मुझे रेट लिखना हो, तो ये रेट कैसे लिखूंगा मैं, रेट ऑफ रिएक्शन, वी नो इट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विच इज इक्वल टू. नाउ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये दोनों स्टेप्स एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, तो रेट कैन बी रिटन एज के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2Cl, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रेस टू NO2Cl रेस टू बिकॉज कोएफिशिएंट 1 है, सो इट विल बी रेस टू 1. ओके, नाउ इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी विल आल्सो बी इक्वल टू 1, क्योंकि ये कोएफिशिएंट जो है दैट इज 1. सो अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बिकॉज दिस इज अ स्लो स्टेप. ओके, नाउ इफ यू सी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये 1 आ रही है, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये. फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग कई बार ये वर्ड यूज करते हैं, यूनिमोलिक्यूलर बिकम्स योर यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन. ओके, अच्छा यहां पे मॉलिक्यूलरिटी इज 1, सो दैट इज व्हाई यू से इट एज यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन. नाउ इफ यू लुक एट द टू रिएक्शंस, यहां पे एक स्पीशीज ऐसा है जो फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हो रहा है बट सेकंड स्टेप में वो यूज अप हो जा रहा है, तो इसी आपका ओवरऑल रिएक्शन में वो स्पीशीज दिख ही नहीं रहा है. ऐसा कौन सा स्पीशीज है जो यहां पे एग्जिस्ट करता है बट ओवरऑल रिएक्शन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, दिस इज बेसिकली आवर क्लोरीन एटम. इफ यू लुक एट क्लोरीन एटम, इट इज प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट स्टेप एंड तुरंत ये नेक्स्ट स्टेप में जो है ये रिएक्ट कर जाता है. तो ऐसे जो स्पीशीज होते हैं जो एक स्टेप में प्रोड्यूस होता है एंड नेक्स्ट स्टेप में रिएक्ट कर जाता है, ऐसे स्पीशीज को कहा जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट. सो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, इट इज बेसिकली द स्पीशीज प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट स्टेप प्रोड्यूस्ड इन वन ऑफ द स्टेप्स and consumed
इन द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है. सो बेसिकली स्पीशीज विच आर इनिशियली प्रोड्यूस्ड एंड देन कंज्यूम्ड इन द नेक्स्ट स्टेप, ऐसे स्पीशीज को कहा जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट. सो हमारे इस एग्जाम्पल में रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है दैट इज क्लोरीन. क्लोरीन इज बेसिकली अ रिएक्शन इंटरमीडिएट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दैट इट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड इनिशियली एंड देन कंज्यूम्ड लेटर. हम लोगों ने और पहले एक एग्जाम्पल प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जाम्पल किया था. लेट मी शो यू दैट एग्जाम्पल. जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था, इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, इन द फर्स्ट स्टेप दिस इज प्रोड्यूस्ड एंड इन द नेक्स्ट स्टेप ये तुरंत रिएक्ट कर रहा है, एंड आपके ओवरऑल रिएक्शन में ये आ ही नहीं रहा, ये दिख ही नहीं रहा है. तो दिस बिकम्स योर रिएक्शन इंटरमीडिएट. सो व्हेन आई से रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये बेसिकली क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट स्टेप एंड कंज्यूम्ड इन नेक्स्ट स्टेप्स. ओके. आपको ये कभी भी ओवरऑल रिएक्शन में नहीं दिखाई देगा, इट विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड ओवर हियर. इज दिस फाइन? लेट मी डू वन मोर एग्जाम्पल विथ यू. लेट से इफ यू हैव एनओ टू प्लस एफ टू गिविंग यू एनओ टू एफ प्लस एफ, एंड स्टेप टू में दिस इज योर स्टेप वन, एंड लेट्स से स्टेप टू इज एफ प्लस एनओ टू अगेन, इट विल प्रोड्यूस एनओ टू एफ. ओके. हाँ, यहाँ पे अगर जो आप ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो योर ओवरऑल रिएक्शन वुड बी इक्वल टू, आप दोनों को ऐड कर दो, सो इट विल बी टू एनओ टू एफ, टू एनओ टू प्लस ये एफ टू गिविंग यू टू एनओ टू एफ. नाउ यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है ये आपके ओवरऑल रिएक्शन में आ ही नहीं रहा है, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट स्टेप एंड कंज्यूम्ड इन द नेक्स्ट स्टेप. सो एफ बिकम्स योर फ्लोरीन एटम, बिकम्स नॉट फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ना फ्लोरीन एटम, इट बिकम्स योर रिएक्शन इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट नाउ इट इज ऑल्सो फाउंड दैट ये जो पहली स्टेप है इट इज योर स्लो स्टेप. If this is your slow step, it becomes your rate determining step. And if this is your rate determining step, ये जो आपका overall reaction है, इसका rate आप कैसे दिखोगे? Rate is equal to the rate of rate determining step. And rate determining step का rate कैसे दिखा जाएगा? K into concentration of NO2. Coefficient is 1, so this is 1 into F2. Coefficient is 1, so raised to 1. सो आपका ओवरऑल ऑर्डर कितना हुआ रिएक्शन का? 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2. अच्छा, इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही होती है. सो मॉलिक्यूलरिटी विल बी इक्वल टू फॉर दिस रिएक्शन 1 + 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग दैट इज 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2. ऑर्डर जो होता है वो आप ओवरऑल रिएक्शन के लिए फाइंड आउट कर सकते हो, बट मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही होती है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, हाउ डू यू राइट डाउन द रेट ऑफ द रिएक्शन. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज बेसिकली अ कंपाउंड विच स्पीड्स अप द रिएक्शन. When I say speeds up the reaction, मतलब it increases the rate of the reaction. The rate of the reaction. Now exactly reaction का rate कैसे increase करता है ये हम लोग आगे जाके देखेंगे. Okay. But catalyst is basically a substance which increases the rate of the reaction. Okay. You have to remember this. Catalyst की property ये होती है कि it is consumed initially. It is consumed initially and reproduced later. It is opposite of intermediate. Intermediate क्या होता है?
इट इज प्रोड्यूस्ड इनिशियली एंड देन कंज्यूम्ड. कैटलिस्ट होता है इट इज कंज्यूम्ड इनिशियली एंड देन रिप्रोड्यूस्ड. ओके आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से रिएक्शन इज आपका एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसा है, ए गिविंग यू बी. बट इट इज फाउंड दैट जब आप इसका मैकेनिज्म देखते हो तो इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस. स्टेप वन में ये रिएक्शन अपने आप से नहीं होता, एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है. सो व्हेन यू स्टडी द मैकेनिज्म, मान लो मैकेनिज्म इसका ऐसा कुछ है, ये एक इमेजिनरी रिएक्शन है. सो स्टेप वन इज समथिंग ऑफ दिस टाइप, ए प्लस सी गिव्स यू, ए प्लस सी गिव्स यू डी. ओके एंड मान लो स्टेप टू में डी डिसोसिएट्स टू गिव यू बी प्लस सी. तो आप अगर जो ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो इफ यू एड द टू रिएक्शंस तो व्हाट यू वुड रियलाइज इज डी और डी कट हो जाएगा, सी और सी कट हो जाएगा और आपको यही रिएक्शन मिलेगा. ना यहां पे दो टाइप के कंपाउंड्स है जो बन रहा है, जो यहां पे आपको दिख रहा है बट यहां पे नहीं दिख रहा है. एक है सी जो आपके मेन रिएक्शन में नहीं आ रहा है, दूसरा है डी जो आपके मेन रिएक्शन में नहीं आ रहा है. नाउ लेट्स फर्स्ट ट्राई टू लुक एट डी. डी क्या हो रहा है कि डी पहले स्टेप में प्रोड्यूस हो रहा है एंड सेकेंड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है. सो इट इज प्रोड्यूस्ड एंड देन कंज्यूम, तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट. नाउ व्हेन यू लुक एट सी, ये पहले स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है ना ये. सो इट इज कंज्यूम्ड इन फर्स्ट स्टेप, प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड स्टेप. सो इनिशियली कंज्यूम्ड एंड देन रिप्रोड्यूस्ड, कंज्यूम्ड इनिशियली एंड देन रिप्रोड्यूस्ड, तो ये हो गया आपका कैटलिस्ट. इज दिस फाइन? सो बी वेरी केयरफुल वाइल अप्लाइंग द डेफिनेशंस. इंटरमीडिएट होता है पहले प्रोड्यूस्ड देन कंज्यूम्ड, कैटलिस्ट होता है पहले कंज्यूम्ड एंड देन प्रोड्यूस्ड. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट समथिंग कॉल्ड एज कोलिजन थियोरी और हम लोग वो देखेंगे कि व्हाट डज कैटलिस्ट एग्जैक्टली डू. अब हम लोगों ने जब केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था तो व्हाट वी हैड स्टडीड वाज, मान लो एक कंटेनर है, ओके एंड ये आपका रिएक्शन है ए प्लस बी गिविंग यू सी. अब ये रिएक्शन तभी हो पाएगा जब मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ बी विल कोलाइड विथ ईच अदर. इसलिए जब आप ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. एंड वाई डज इट इंक्रीज, इट इंक्रीजेस बिकॉज आप जैसे जैसे और मॉलिक्यूल्स ऐड करते जाओगे नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे. ठीक है. सो एटलीस्ट वी नो दिस रिएक्शन हैपन्स ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कोलिजन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ओके दिस इज वॉट वी नो. नाउ द थिंग इज कि हमें वो अब ये कोलिजन थियोरी और इन कोलिजन्स को अब हमें और फर्दर स्टडी करना है. नाउ इट इज फाउंड दैट हर एक कोलिजन डज नॉट लीड टू अ रिएक्शन, विच मीन्स एवरी कोलिजन इज नॉट सक्सेसफुल. एवरी कोलिजन डज नॉट सक्सेसफुली, एवरी कोलिजन डज नॉट सक्सेसफुली लीड टू अ केमिकल रिएक्शन. ओके सो विच मीन्स इट इज ऑल्सो फाउंड दैट, मान लो कि मतलब देर आर 10 रेज टू 14 कोलिजन्स मान लो, तो इट इज फाउंड दैट इन 10 रेज टू 14 कोलिजन्स में से दो या तीन कोलिजन्स ही यूजफुल होता है, काम के होता है, बाकी सारे कोलिजन्स के वजह से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता. तो इसका मतलब है कि बस कोलिजन्स होना इनफ नहीं है, उस कोलिजन्स के कुछ फैक्टर्स होने चाहिए. वो अगर जो फैक्टर सेटिस्फाई हो रहे हो तभी जाके आपका केमिकल रिएक्शन होगा. सो इट इज फाउंड दैट आउट ऑफ मेनी मेनी कोलिजन्स, जब इतने कोलिजन्स होता है तो इतने कोलिजन्स के बाद कुछ ही कोलिजन्स जो होता है वो हमारे काम के होता है. सो अब हम लोग वो सारे फैक्टर्स देखेंगे कि विच लीड टू अ सक्सेसफुल कोलिजन और विच लीड टू अ केमिकल रिएक्शन. सो पहला जो फैक्टर है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नंबर ऑफ कोलिजन्स. ओके
which I'll call it as frequency of collisions. Frequency rate of collisions. So basically, 1 second के अंदर कितने collisions हो रहे हैं या 1 minute के अंदर कितने collisions हो रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा collisions होंगे उतना chemical reaction, उतनी probability बढ़ जाएगी ना chemical reaction होने की. सो नंबर ऑफ collisions या जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ collision, लेट मी कॉल इट एज P. सो 1 second में कितने collisions हो रहे हैं, दैट फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकेंड फैक्टर दैट इज इंपॉर्टेंट इज बेसिकली कॉल्ड एज एनर्जी फैक्टर. ओके, नाउ इफ आई गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल, लेट से C2H4 ये इथीन है, जब ये हाइड्रोजनेशन होता है दैट इज H2 आप ऐड करते हो, इट बिकम्स इथेन. ओके, नाउ इथीन भी अपने आप में स्टेबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहां पे भी सारे एटम्स का ऑक्टेट ड्यूप्लेट कंप्लीट है. H2 भी अपने आप में स्टेबल मॉलिक्यूल है. तो अगर जो दोनों स्टेबल है तो ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे ना, इनके टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन वुड बी वेरी वेरी स्मॉल. तो आप जब इनको पास में लेके आओगे तो इनकी टेंडेंसी होगी वापस दूर जाने की. द रीजन इज बिकॉज कि दे आर ऑलरेडी वेरी स्टेबल. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज इनको कोलाइड करवाने के लिए आपको कोई इनको एनर्जी देनी पड़ेगी. यू विल हैव टू सप्लाई एनर्जी टू दीज मॉलिक्यूल्स. एंड ये आप एनर्जी कैसे दोगे, मान लो आपको जोर से कोलिजन चाहिए तो आपको इन मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी. तो ये एनर्जी फैक्टर बेसिकली क्या स्टडी करता है, इट स्टडीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स. नाउ इट इज फाउंड दैट, हम लोगों ने गैसियस स्टेट में पढ़ा हुआ है कि हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड सेम नहीं होती, तो हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी सेम नहीं होती. तो अगर जो ये ग्राफ है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, तो ये ऐसा कुछ होता है. लेट्स से यू हैव काइनेटिक एनर्जी ओवर हियर एंड यू हैव फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. विद अ गिवन काइनेटिक एनर्जी, हाँ ये जो ग्राफ होता है ना, ये ऐसा कुछ होता है. ओके, नाउ रिएक्शन होने के लिए, कोई भी रिएक्शन होने के लिए एक सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो उतनी उस मॉलिक्यूल के पास होनी ही चाहिए. अगर जो उतनी एनर्जी नहीं होगी तो वो रिएक्शन ही आगे नहीं बढ़ेगा. तो दैट एनर्जी रिक्वायरमेंट, उसको कहा जाता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, EA. दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. इसका आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. मान लो नारियल है, ओके, कोकोनट है, आपको उसको फोड़ना हो तो आप उसको कोलाइड करते हो, आप इसको पटकते हो. बट धीरे से पटकोगे तो कुछ नहीं होगा ना, धीरे से आप 10 बार भी पटको तो भी कुछ नहीं होगा. आपको उसको फोड़ने के लिए जोर से पटकना पड़ता है, तो आपको ज्यादा एनर्जी से उसको फोड़ना पड़ता है ना, आपको ज्यादा एनर्जी से उसको कोलाइड करवाना पड़ता है. वैसे ही यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवाने के लिए उनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए. ओके, सो एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, उससे ज्यादा अगर जो एनर्जी हुई तो ही उस कोलिजन के से रिएक्शन हो सकता है. नाउ दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. सो जैसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड विच मॉलिक्यूल्स शुड हैव, विच मॉलिक्यूल्स should have for the reaction to take place, to take place. Okay, so अगर जो molecules यहां पे जो सारे molecules है उनकी kinetic energy इस number से ज्यादा है ना, तो यहां पे जो भी molecules है, so यहां पे these molecules have enough kinetic energy for collisions to be successful. To be successful. Okay,
अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे क्या होता है, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, मैं यहाँ पे नीचे बनाता हूँ, मान लो ये आपका ग्राफ है, ओके। नाउ व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ये ग्राफ जो है ये ऐसा हो जाता है, ऐसे हो जाता है। सो नाउ लुक एट दिस, इफ दिस इज योर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, पहले जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे दिस वॉज एट लो टेम्परेचर, एंड ये जो कर्व है दिस इज एट हाई टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे यू हैड लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये एरिया आपका कम है ना, आपको एरिया जो है ये बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इससे ज्यादा है। बट जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या हो रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा यहां पे ये जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स हैं, ये और एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स आ गए ना, ये और एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स है विच हैव एनर्जी ग्रेटर देन ई है। तो ना इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो अब एट हायर टेम्परेचर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, ये इतने तो थे ही, इसमें प्लस ये और ऐड हो गए। सो आप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हो मोर मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी विच इज मोर देन दिस। आई कैन से ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी विच इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, देयर फॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, आई राइट रेट इंक्रीजेस, ओके। नाउ इट इज फाउंड दैट एंड इट इज प्रूवन दैट ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, देन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ज्यादा होती है, जो एरिया अंडर द कर्व है, इट इज इक्वल टू, लेट मी राइट दिस एज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एफ, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस ई ए बाय आर टी, ये रिलेशनशिप होता है, वेर ई ए इज योर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन्स एंड आर इज 8.314, ओके। इफ यू सी ओवर हियर, यहां पे जो सारे मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी इससे कम है, तो इवन तो ये कोलाइड करेंगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहां पे जो मॉलिक्यूल्स है ये जब कोलाइड करता है तो उससे फर्क पड़ता है, ओके। तो ये नंबर या ये एरिया जितना ज्यादा होगा उतना आपका रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी फास्टर। सो अब तक हम लोगों ने दो फैक्टर्स देखे हुए हैं, फर्स्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ कोलिजन्स, जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतना अच्छा है। सेकेंड, जितने ज्यादा एनर्जेटिक कोलिजन्स होंगे, एनर्जी जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ज्यादा होनी चाहिए, तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी उतने आपके कोलिजन्स जो होंगे दोस कोलिजन्स वुड बी सक्सेसफुल कोलिजन्स, एंड जितने ज्यादा सक्सेसफुल कोलिजन्स होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज होगा। तो सेकेंड फैक्टर इज एनर्जी फैक्टर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इस एनर्जी फैक्टर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम लोग और एक चीज करते हैं, हम लोग एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। एनर्जी डायग्राम क्या होता है, सो बेसिकली इट इज फाउंड दैट, ओके, मान लो ये एनर्जी है, नाउ इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो बेसिकली व्हाट यू विल हैव आर रिएक्टेंस। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट्स, सो हमने एक एग्जांपल अभी जो दिया था दैट वाज इथीन प्लस हाइड्रोजन, ना ये वैसे ही स्टेबल है तो एनर्जी कम है, बट आप जैसे जैसे इनको पास में लेके आओगे ये अनस्टेबल धीरे धीरे होना स्टार्ट करेंगे, सो इनकी एनर्जी जो है वो इस तरह से बढ़ती जाएगी, फाइनली दे विल रीच अ पीक एंड देन ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तब दिल गेट कन्वर्टेड इंटू सी टू एच सिक्स विच इज अगेन स्टेबल। सो अगेन
वो ऐसे स्टेबल हो जाएंगे, दिस इज योर प्रोडक्ट्स। तो यहां पे ये बीच वाली स्टेट है जहां पे ये अनस्टेबल है एंड जहां पे एनर्जी मैक्सिमम है, ओके, इस स्टेट को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी इज ऑलवेज मैक्सिमम, ये एनर्जी पीक होता है, एनर्जी पीक दैट इज एनर्जी इज मैक्सिमम, ओके। एंड ये रिएक्टेंट की एनर्जी ये इतनी है, ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इतनी है, इन दोनों के बीच का ये जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज ई ए। तो अब ना आप ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को इस तरह से देखो कि इफ यू हैव अ मॉलिक्यूल, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, राइट, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, आप इसको कम एनर्जी दोगे तो क्या होगा, यहां तक पहुंचेगा, यहां से वापस आ जाएगा। इसको यहां तक पहुंचना है तो आपको इसको मिनिमम कितनी एनर्जी देनी होगी, आपको इसको मिनिमम इतनी एनर्जी तो देनी होगी ना ताकि वो यहां तक पहुंच पाए, फिर यहां से वो अपने आप से नीचे आ जाएगा। सो इसलिए अगर जो कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो उसको आपको मिनिमम इतनी एनर्जी देनी है, एंड ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है इसी को कहा जाता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब जब आप कैटेलिस्ट ऐड करते हो तो कैटेलिस्ट क्या करता है, कैटेलिस्ट जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है, ये ऐसे कर देता है। अब पीक को कम कर दिया तो पहले जो मॉलिक्यूल यहां से वापस आ रहा था, अब क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल भी इस पीक को क्रॉस कर जाएगा ना। इफ द साइज ऑफ द पीक हैज रिड्यूस्ड, योर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हैज रिड्यूस्ड, तो पहले जो मॉलिक्यूल्स ये पीक को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पीक को क्रॉस करेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पीक को क्रॉस करेंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। सो आई कैन से दिस, व्हाट कैटेलिस्ट डज इज कैटेलिस्ट रिड्यूसेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एंड व्हेन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज रिड्यूस्ड मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस द पीक, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। इस तरह से कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। सो दो फैक्टर्स हम लोगों ने अब तक देखे हुए, फर्स्ट वन वॉज नंबर ऑफ कोलिजन्स, द फर्स्ट फैक्टर दैट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अस वॉज नंबर ऑफ कोलिजन्स, एंड सेकेंड फैक्टर वॉज एनर्जी फैक्टर। द थर्ड फैक्टर नाउ दैट विल लुक एट इज बेसिकली ओरिएंटेशन। सो वॉट इज डायरेक्शन, अब हमें यह पता है कि ये इथीन मॉलिक्यूल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, कोलाइड करता है, तभी यह रिएक्शन होता है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये जाके कार्बन को कोलाइड करे, ओके, ये जो डबल बॉन्ड वाला पार्ट है वहां पे ये कोलाइड करे, तब जाके वो रिएक्शन होगा। बट मान लो कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ कोलाइड करता है, एनर्जी से भी करता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को कहा जाता है ओरिएंटेशन और डायरेक्शन ऑफ कोलिजन, कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कोलिजन टेक्स प्लेस एट द राइट प्लेस, सही जगह पे ये कोलिजन हो, गलत जगह पे कोलिजन होगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। नाउ जितने भी सारे कोलिजन्स होते हैं उनमें सारे के सारे कोलिजन्स सही जगह पे होते हैं ऐसा नहीं है, बहुत कम कोलिजन्स जो होते हैं वो सही जगह पे होता है। सो फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर डायरेक्शन लेट्स कॉल इट एज पी, ओके। तो तीन फैक्टर्स हम लोगों ने देखे हुए, पहला फैक्टर था द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स कितने फटाफट हो रहा है, सेकेंड फैक्टर वॉज एनर्जी फैक्टर, थर्ड फैक्टर वॉज योर डायरेक्शन फैक्टर। अब इन तीनों फैक्टर्स को हम लोग कंबाइन करते हैं। सो सबसे पहला जो होता है दैट इज कोलिजन रेट, कोलिजन रेट हमें यह बताता है कितने फटाफट कोलिजन्स हो रहे हैं। सो इफ ए एंड बी आर योर रिएक्टेंट्स, कोलिजन रेट इज गिवन बाय कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी यह मेजर करता है कि मान लो आपका कॉन्सेंट्रेशन यूनिट कॉन्सेंट्रेशन है तो यूनिट कॉन्सेंट्रेशन के लिए कितने कोलिजन्स होते, एक सेकेंड में कितने कोलिजन्स होते। तो आप ना जेड ये जो फैक्टर है इसको हम लोग कहेंगे इट इज योर कोलिजन फ्रीक्वेंसी।
ये बस ये मेजर करता है कि कितने फटाफट कोलिजन्स होते हैं. ओके, अब आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये बस इस पे ही नहीं डिपेंड करता ना कि कितने फटाफट कोलिजन्स हो रहे हैं. दो और फैक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक कि एनर्जी फैक्टर, वेर एफ वॉज बेसिकली इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी, जो हम लोगों ने ये देखा था, एफ वॉज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी. एंड नेक्स्ट वॉज दिस फैक्टर दैट इज डायरेक्शन, की ओरिएंटेशन भी सही होना चाहिए. तो आपका जो ओवरऑल रिएक्शन रेट है वो इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि कितने फ्रैक्शन का डायरेक्शन सही है, कितने फ्रैक्शन का वो एनर्जी रिक्वायरमेंट मीट हो रहा है इनटू द कोलिजन रेट, वेयर कोलिजन रेट इज दिस. सो इफ आई पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, व्हाट आई गेट इज पी इनटू एफ इनटू जेड इनटू ए इनटू बी. ए एंड बी आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट्स. नाउ ये तीनों कॉन्स्टेंट्स है, ये तीनों कॉन्स्टेंट्स को मैं रिप्लेस करके आई एम रिप्लेसिंग इट विथ के. ओके, सो के जो है रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. सो ये जो के होता है दिस इज बेसिकली रेट कॉन्स्टेंट. एंड ये जो के की वैल्यू होती है दैट इज पी इंटू एफ इंटू जेड. सो के इज इक्वल टू पी इंटू एफ इंटू जेड विच इज पी इंटू जेड. एफ के जगह पे जो हम लोगों ने माइनस ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी डिराइव किया था वो लिखा हुआ है. पी इंटू जेड को एक साथ मैं एक नया वेरिएबल देके आता हूं ए. सो ए इज रिटन एज, ए इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर और अ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर दो चीजों को कंबाइन करता है, एक द डायरेक्शन कि कितने कोलिजन्स का डायरेक्शन सही है, एंड दूसरा फैक्टर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है फ्रीक्वेंसी, कितनी फटाफट कोलिजन्स हो रहा है. ओके, दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट विल डू इज विल डिस्कस दिस इक्वेशन एंड इस पे एक दो क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा इसको यूज कैसे करना. ठीक है, थैंक यू.